मैं आज आपसे मिला हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड क्लास 11 के लिए। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ और बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि नंबर वन, पहले तो ये समझो कि लॉ ऑफ डिमांड था क्या। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि जब भी किसी गुड किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो सर हम अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा ही होता है, आप लोग भी ऐसे ही करते हो। जब कोई चीज आप लोग को सस्ती पड़ती है तो क्या करते हो, डिमांड को बढ़ाने का सोचते हो। पापा को स्पेशली जाके बोलते हो, पापा उस मोबाइल का ना प्राइस कम हो गया है, तो पापा कहते चल बेटा तेरे को लेके देता हूँ। तो वो क्या है, प्राइस कम होने पे हम अपनी डिमांड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हाँ ना, उसी हिसाब से जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो पापा कहते हैं बेटा चुप हो जा, बिल्कुल अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस क्या है, ज्यादा। तो आप अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। ऐसा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सीखा था कि ऐसा होता था सर, प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी और प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ जाती थी। हाँ कि ना, अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मानते थे, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि डिमांड के बदलने के और बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब बातें। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड का रिलेशन प्राइस से देखते हैं, बाकी सब फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जैसे थे वैसे ही है। हाँ कि ना, अब बात आती है तो लॉ ऑफ डिमांड में सर क्या क्या बातें, तो हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है, बड़े ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं आपसे बात करूँ लॉ ऑफ डिमांड में पहली बात, तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि आपको कौन सा रिलेशन देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशन। बोलो हाँ कि ना सर, इनवर्स रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, या प्राइस जब कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। हम इकोनॉमिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशन बोलते हैं तो वो इनवर्स रिलेशन का मतलब ही नेगेटिव रिलेशन है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी ही होगी। ऐसा अगर आपको इकोनॉमिक्स में दिख रहा है तो आप समझ जाना वहां पर रिलेशन कौन सा होगा, वहां पर सर इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होगा। सामने देखो एक बार, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बढ़ गया तो भी डिमांड क्या होगी सर, कम होगी, और वैसे वर्षा अगर प्राइस कम हो गया सर तो डिमांड बढ़ेगी। तो खुद बताओ अपोजिट रिलेशन है कि नहीं है, यहां प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। अगर ऐसा कहीं पर आपको दिखाई दे गया, आप समझ जाओ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप कह सकते हो लॉ ऑफ डिमांड की पहली खास बात यह है कि वो इनवर्स रिलेशन शो करती है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, जैसा कि आपको दिखता भी है। हां कि ना, सेकंड पॉइंट, पहला हमें इनवर्स रिलेशन, दूसरा बड़े ध्यान से देखना कि हमें क्वांटिटेटिव चीज तो बता, हां सॉरी, एक सेकंड, ये हम लोगों को सर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव जानकारी तो दे देता है लेकिन क्वांटिटेटिव कभी बता नहीं पाता। मतलब सर भाई, बड़ी सिंपल सी तो बात है कि भाई हम लोग ये तो जानते हैं कि प्राइस, आप आम बात भी, आप अपने किसी दोस्त से बात करोगे, छोटे कजन से भी बात करोगे, वो भी कह देगा कि भैया अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है ना तो भाई उसकी डिमांड तो पक्का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तो बच्चा भी जानता है, जब प्राइस सर कम हो गया है तो डिमांड बढ़ेगी, इतना ये क्वालिटी वाइज तो हम इस चीज को जानते हैं कि सर ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है, क्वालिटी वाइज तो आपने बता दिया कि ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितना होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकली बता सकते हो आपको, सर ऐसे थोड़ी ना बताया जा सकता है। तो ये भी तो बात हो रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड में ये भी देखने को मिलता है कि ये हमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि भाई प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ऐसे तो बताते हैं, कितना कितना हाउ मच सर, ये हम न्यूमेरिकली कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्वालिटेटिव जानकारी तो मिल जाती है बच्चों, हमें कभी भी इसके बारे में क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। हाँ जी ना, थर्ड पॉइंट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मतलब सर भाई, बड़ी अच्छा एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, ध्यान से देखना। मान लो Amazon पे, मान लो आप कुछ समय से एक मोबाइल फोन लेने का प्लान कर रहे थे, ठीक है, बहुत समय से आपके दिमाग में था सर लाइफ ना मजेदार हो जाएगी अगर उस दिन हमें मोबाइल मिल गया, लेकिन मोबाइल के प्राइसेस चल रहे थे कितने, 35,000। अब पापा कह रहे हैं कि बेटा मैं तो इतना महंगा फोन नहीं लेके दूंगा, अब मैं तो नहीं लेके देना, आपने बोला ये तो दिल्ली टूट गया सर। तो आपने कहा भगवान प्रभु जैसे तैसे करके इस कमोडिटी के प्राइस को क्या करवा दे, कम करवा दे, और वहीं पर अमेज़न की इंडिपेंडेंस डे सेल आ गई बच्चों तुम्हारे लिए, तो भैया हाँ हाँ क्या बात है सर, अमेज़न ने सेल निकाली और इस कमोडिटी इस मोबाइल का प्राइस 35,000 से रिड्यूस करके बच्चों कितना कर दिया, मान लो 10% की गिरावट आई, तो 10% की गिरावट आई मतलब 3500 रुपीज से चीज रिड्यूस हो गई, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, आप कहोगे सर 10% का। तो खुद बताओ अगर प्राइसेस 10% से ड्रॉप हुए, बड़े ध्यान से समझना, अगर इकोनॉमी में प्राइसेस 10% से प्राइसेस गिर गए अगर, तो जरूरी है कि डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ेगी दुनिया भर में, सोचो जरा एक बार, आप नहीं सर, आप जैसे और तमाम बच्चे जो क्या इंतजार में थे कि बस एक बार इसका प्राइस गिरे तो सही, हम अपने पापा को सर मनाई लेंगे और मोबाइल लेंगे ही लेंगे। तो खुद बताओ 10% के प्राइस गिरने से ऐसा नहीं है कि डिमांड सिर्फ 10% से ही बढ़ेगी, वो चाहे तो 20% भी, 30% भी, 40% भी, 70% भी, 100% भी, 200% भी, 300% भी, कितने परसेंट तक भी वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर यही है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 10% से प्राइस गिरा है तो 10% से ही डिमांड बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों। हाँ कि ना, ऐसा ही है, आपको इकोनॉमी में ऐसा देखने के लिए मिलता भी है। हाँ कि ना, उसी हिसाब से अगर किसी चीज का प्राइस 20% से ज्यादा हो गया तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 20% से ही डिमांड कम होगी, होगी, लोग कहें भैया नहीं ऑलरेडी इतनी चीज महंगी थी और प्राइसेस बढ़ा दिए अब तो हम डिमांड करेंगे ही नहीं। तो प्रोपोर्शनल रिलेशन, सेम रिलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, डिमांड ज्यादा से भी बढ़ सकती है, डिमांड कम से भी गिर सकती है। बोलो हाँ कि ना,
आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे आपको बात क्लियर होगी अच्छे से यहां पर, हां कि ना? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ऐसा ही होता है, बोलो हां कि ना? अब टमाटर 200 रुपए बढ़ गए थे, बोलो हां कि ना? बीच में टमाटरों ने रोहित शर्मा बन गए थे भाई, 200 मार दिए थे, अब बताओ 200 रुपए बढ़ गए तो आप बताओ, मान लो मैं कह रहा हूं 100% से टमाटर के रेट डिपेंड कर गए, बढ़ गए 100% से बढ़ गए, तो बताओ गरीब इंसान ने तो कहा होगा टमाटर हे प्रभु हम नहीं खाते, टमाटर बेकार की चीज है, तो कितने सारे लोगों ने या तो डिमांड करी नहीं होगी या डिमांड को बिल्कुल कम कर दिया होगा, तो बताओ 100% डिमांड प्राइसेस बढ़ने के बावजूद डिमांड बच्चों 1000% से कम हुई होगी, हां कि ना? तो यहां पर भी हमें दिख रहा है कि आपका कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, जरूरी नहीं कि जितने से प्राइस बढ़ेगा उतने से डिमांड गिरेगी, वो बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, जैसे हमारे एग्जांपल में बात समझ में आई, फोर्थ और आखिरी पॉइंट बच्चों वन साइडेड इफेक्ट या वन साइडेड कैलकुलेशन किया, हमें लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो किस में चेंज आएगा, जब प्राइस गिरेगा तो किस में चेंज आएगा, ऐसा बताता है, ऐसा बिल्कुल बताता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताता कि अगर डिमांड में चेंज आ रहा है या डिमांड बढ़ रही है, डिमांड अगर कभी कम हो रही है तो उसकी वजह से प्राइसेस में कितना चेंज आएगा उसकी जानकारी कभी नहीं मिलती, प्राइसेस के बदलने से डिमांड में कितना बदलाव आएगा उसके बारे में तो लॉ ऑफ डिमांड बात करता है, लेकिन डिमांड के बदलने से प्राइसेस पर क्या असर देखने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड इसके बारे में बच्चों बात नहीं करता है, हाँ कि ना? तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही मजेदार था, मैंने आज आप लोगों को यही तो सिखाया कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या खास बात है, मैं अगर फटाफट से रिवाइज करूं, बड़े ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट क्या इनवर्स रिलेशन है, मतलब सर अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज गिरेगी या एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, इसी को तो हम लोग इनवर्स रिलेशन कहते हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशन, इकोनॉमिक्स में इनवर्स रिलेशन दिख गया, नेगेटिव रिलेशन दिख गया, तो वो दिखेगा कि जब अपोजिट चीजें आपको देखने में मिल रही होगी, कोई चीज ऊपर तो कोई चीज नीचे, हां कि ना? सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब लॉ ऑफ डिमांड थ्योरेटिकली तो बताता है कि सर ऐसा होता है प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, ये तो हम भी जानते हैं, कितनी प्रभु कितनी बदलेगी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है, हां कि ना? और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहां पर हम लोगों को देखो जरा फटाफट से, यहां पर हम लोग बोलने वाले नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर 10% से गिरा तो डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ेगी, हो सकता है दुनिया में धमाका आ जाए, लोग कहें हाय हाय 10% से प्राइस गिर गया, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि भाई मैं भी खरीद लूं और मैं भी खरीद लूं, तो इतना सा रिडक्शन होगा डिमांड में प्राइस में और डिमांड हमारी इतनी सारी सर बढ़ गई है, तो जरूरी नहीं है कि अगर इतने से चीज गिरी तो इतने से ही बढ़ेगी, ड्रास्टिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और ऑब्वियसली ऐसा देखने को मिलता ही है, हां कि ना? और लास्ट पॉइंट वन साइडेड, मतलब सर सिर्फ प्राइस के बदलने से डिमांड पर असर आ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ये तो बताता है कि प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, वो कभी ये नहीं बताता कि डिमांड के बदलने से प्राइसेस पर क्या असर आएगा, हाँ कि ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, क्लास 11 चैप्टर का नाम है डिमांड, बच्चों वीडियो सारी रेडी है, देखो फटाफट से, और भाइयों कॉन्सेप्ट सीखो, आपको हमेशा से मैंने बोला कॉन्सेप्ट की बात बनेगी नहीं, हाँ कि ना? याद 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 रह ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्सेप्ट के बाद सब कुछ याद रहे।